हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने पीछे व्लॉग में देखा था कि हम लोग पहुंच चुके थे सरोजनी नगर। यहाँ पर सरोजनी नगर का बोर्ड देखते ही इतनी खुशी, मानो जैसे कि जन्नत मिल गई। सब लोगों को पता है दिल्ली मतलब सरोजनी नगर जाना ही जाना होता है। और जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुंचे, हमने देखा कि इतनी भीड़ जैसे कि हैदराबाद में होती है चार मीनार के पास। और यहाँ पर है ना सारी जगह सेम कलेक्शन होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और सब कुछ अंडर 500, 200, 300 आपको मिल जाएगा। हम लोग खाली बैग्स भी लेके गए थे शॉपिंग करने के बाद, और पूरे बैग्स फुल हो गए। और हमने वहाँ पर जाके फिर से बैग्स लिए, क्योंकि हमने उतनी सारी शॉपिंग कर ली थी। मैंने ज़्यादा नहीं की, मेरी बहन ने बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। अगर आप लोग दुबले पतले हो तो आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है, थोड़े हेल्दी हो तो थोड़ा देखने के लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर ट्रायल रूम नहीं होता है। वहाँ पर इयर रिंग्स का कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा था, हम लोग लेके आए 100 में 4 पेयर 3 पेयर दे रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन इतनी भीड़ देख के हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे शॉपिंग करें या वीडियो निकालें। तो मैंने थोड़ी देर वीडियो निकाला और फिर मैंने बोला कि चलो सब कुछ अंदर डालो बैग में, फ़ोन वगैरह, और शॉपिंग शुरू करो। हम लोग सुबह में गए थे और शाम तक हम लोग घूमे, यहाँ भी थक गया, सब लोग थक गए थे। शॉपिंग करने के बाद हम वापस चले थे हमारे स्टे, हम लोगों ने स्टे किया था सोना में, वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ के पापा। और नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े दूसरी जगह घूमने के लिए कुतुब मीनार। और सरोजनी नगर से आके शॉपिंग करने के बाद मेरी तबीयत हो गई थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब। फिर भी मैंने टैबलेट ली और बोला कि ठीक है चलते, घूमने के लिए आए तो घूमेंगे। और वहाँ पर गए कुतुब मीनार में, टिकट लिया। वहाँ पर टिकट था अराउंड 40 रुपीज़ पर हेड और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़ पर हेड। काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही थी हम लोगों को और एक ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ पर मैं टिकट लेने गई और फिर हम लोग अंदर गए, और अंदर घुसते ही ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैंने कुछ भी नहीं देखा कुतुब मीनार के अंदर। सारे जो अभी अगले क्लिप्स देखोगे वो मेरी बहन ने निकाले थे, मैं तो वहाँ पर जाके बैठ ही गई थी। हम लोग कितने दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि घूमने जाना है दिल्ली में, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, लेकिन मुझे हो गया था वायरल फीवर, और जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एकदम 103 102 हो गया था। रात में 3-4 बार टैबलेट्स लेना पड़ा मुझे, और फिर कहीं घूमना हुआ ही नहीं हमारा। हम लोग सोना से वापस दिल्ली में आए घूमने के लिए। हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक दिन होटल बुक किया था, लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि घूमे ही नहीं हम लोग। कहीं पर घूम के थे डॉक्टर को दिखाया, बोला कि वहाँ पर वायरल चल रहा है सबको, मैं भी उसी के चपेट में आ गई। लेकिन जो घूमने का हमने प्लानिंग बनाया था 1-2 महीने से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, वो सब कुछ ऐसे ही धरा का धरा रह गया। और ये अंदर घुस गया हम कुतुब मीनार के अंदर। कुतुब मीनार है ना 238 फीट टॉल है, और इंडिया का सबसे बड़ा स्टोन टावर है वो। और वो दिल्ली के फर्स्ट सुल्तान ने बनवाया था आफ्टर द डिफीट ऑफ हिंदू रूलर, लास्ट हिंदू रूलर के बाद दिल्ली सुल्तान ने फर्स्ट ने बनाया था कुतुब इल ऐबक के नाम से। और इसको बनाते बनाते 5 फ्लोर का होता है, अंदर जाने नहीं दिया हम लोग किसी को, जाने देते या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं घूमी नहीं ज़्यादा, थोड़ी देर ही घूमी वहाँ पर, इधर उधर थोड़ा एक्सप्लोर किया और फिर ख़त्म, बैटरी डाउन हो गई मेरी। और इतने सारे फॉरेनर्स आ रहे थे इसको देखने के लिए, मैंने सोचा ऐसा क्या है इसमें। फिर मतलब वही मॉन्यूमेंट्स है, ओल्ड हिस्ट्री है, वही देखने के जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ना, वो लोग घूम के बहुत उनको बहुत अच्छा लगता है ये सब स्टोन वर्क्स वो ये देख के। लेकिन मुझे हिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत घूमी और तबीयत ख़राब हो गई, बैठ गई मैं। फिर मेरी बहन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो वो सब कुछ देख के आती थी, सब कुछ देख के आई वो। और ये फॉरेनर्स इतनी धूप में वो लोग कैसे टॉलरेट कर रहे थे वो धूप को पता नहीं। और ये रेड वो क्या बोलते हैं, रेड स्टोन से बना हुआ है, मुझे लगता था वहाँ पर अंदर ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी हम लोगों को। यहाँ पर विहान ने बहुत मस्ती की, मतलब विहान एक जगह रुकता ही नहीं है,
कहीं पर भी जाओ बहुत भागता है वो, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते कैसा भाग रहा है, और उसकी स्पीड है ना हम लोग मैच नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा भाग। पर घूमने फिरने के बाद हम लोगों ने ऑटो लिया, बाहर निकले और ऑटो वाले ने बोला कि मैडम आप राजस्थान टेक्सटाइल शॉप है वहाँ पर चलिए और कुछ सामान मत लीजिए, बस देखिए मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। हम लोग बोल रहे थे भैया हमारी तबीयत ख़राब है हमें नहीं जाना, तो फिर भी वो भैया बार बार बोल रहे थे मैडम एक बार, तो फिर हमने बोला ठीक है चलो जाके देख के आते हैं शॉप में ऐसा क्या तो है। तो हम लोग गए थे राजस्थान टेक्सटाइल्स डेवलपमेंट में, बिल्कुल कुछ शॉप था वहाँ पर, ये ऑटो वाले भैया ही लेके गए थे हमको वहाँ से वहाँ पर जाके देखा तो काफ़ी अच्छा सामान था। लेकिन जैसे कि मेरी हेल्थ ख़राब थी तो मैंने कुछ नहीं लिया, मेरी मम्मी ने थोड़ा बहुत सामान लिया वहाँ से, मतलब बेड शीट्स सब कुछ, ईयर रिंग्स आर्किटेक्ट सब कुछ था। और ये भी अंदर अलाउड नहीं था वीडियो निकालना, और बाहर ही निकाला हमने और काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर ही हमारा दिल्ली का सफ़र ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग कहीं गए जा ही नहीं पाए मेरी तबीयत के कारण। बस मैं रूम में ऐसे ही पड़ी हुई थी, आप लोग देख सकते हो 4-5 ब्लैंकेट ओढ़ के, ठंडी के कारण कोल्ड का सब कुछ ही हो गया था मुझे। ख़राब एक्सपीरियंस रहा हमारा दिल्ली का टूर, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।